घोसी उपचुनाव हारने के बाद दारा सिंह चौहान ने शनिवार की शाम लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान भदोही से सपा विधायक जाहिद बेग भी उनके साथ रहे। जाहिद पहले भी कई मौकों पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और भाजपा की तारीफ कर चुके हैं। दारा सिंह की सीएम योगी से मुलाकात के बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले जाहिद समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव को छोड़कर भाजपा का हाथ थाम सकते हैं, इसकी चर्चा भी अब शुरू हो चुकी है। गौरतलब है कि जाहिद बेग कई मौकों पर अटल बिहारी वाजपेयी और भाजपा की नीतियों की तारीफ कर चुके हैं। कई बार उन्हें भाजपा नेताओं के साथ देखा भी गया है। उन्होंने इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर जाकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। इससे पहले फरवरी में जाहिद बेग उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ दिखे थे। जिले भ्रमण के दौरान सूर्यावा में ब्रजेश पाठक ने अटल प्रतिमा का लोकार्पण किया था। इस दौरान मंच पर डिप्टी सीएम के साथ सपा विधायक जाहिद बेग भी दिखे थे। तब भी चर्चा गर्म थी कि जाहिद बेग भाजपा में आ सकते हैं। डिप्टी सीएम संग मंच साझा करने के साथ ही सपा विधायक जाहिद ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफों के पुल बांधे थे। वहीं दारा सिंह की बात करें तो घोसी उपचुनाव हारने के बाद कई दिनों से दारा सिंह दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। इस दौरान उन्होंने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित पार्टी के तमाम नेताओं से मुलाकात की और उपचुनाव में हार की वजहों को लेकर अपना पक्ष रखा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।